सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले के दोबारा चुने जाने पर उनके प्रशंसक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिजनेसमैन सभी ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। का माहौल सब जगह पे है, सब लोगों को खुशी है क्योंकि दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में फिर एक बार भगवा लहरा है। मैं लोगों का धन्यवाद मानता हूँ, उनके आशीर्वाद और सहयोग से ये सफलता हमें मिली है। शिवसेना भाजपा आरपीआई कार्यकर्ता की वजह से सफलता मिली है, तो ये जीत लोगों के प्रति है और ये जीत मेरी जीत नहीं लोगों की जीत है। शिवसेना भाजपा आरपीआई के कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है और ये अभी बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले 5 साल के कार्यकाल में लोगों की जो उम्मीद है वो पूरी करने का एक जिम्मेदारी है और मैं पूरा विश्वास लोगों को दिलाता हूँ जो जो उनकी उम्मीद है वो मैं पूरी करूँगा। नहीं, ये दूसरी जीत, पहली जीत भी इतनी शानदार थी उतनी दूसरी जीत भी हमारी शानदार है और सब जब भी माहौल अच्छा है और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। संगणी से पहले मैं शिवसैनिक हूँ तो इसकी वजह से जी जान से एरिया में काम किया है। उनका वैसे राहुल जी का काम ही बहुत अच्छा है और वो दिमाग से और दिल से दोनों से ही काम करते हैं, इसलिए हमको भी उतनी ताकत आती है काम करने की। ये जीत की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे लोकप्रिय नेता, मेरे बहुत अच्छे मित्र राहुल जी दोबारा चुन के आ गए और मैं ये दुआ करता हूँ कि आगे भी वो चुन के आए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करें। थैंक यू। आज हमारी अपेक्षा पूरी हो गई है और पूरे बहुमत के साथ में भाजपा इस देश पर फिर से एक बार राज करेगी और हमारे जो अधूरे सपने हैं भारत को बहुमत दिलाने के और भारत को जगत जेता बनाने का वो पूरा होने जा रहा है और मुझे लगता है कि केदार राहुल शेवाले फिर से एक बार संसद में जाके एक डंका बजाएंगे और आज सच में इतना हर्ष हो रहा है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो काम शुरू किए थे उसके लिए जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास रखा वो विश्वास के लिए जनता का अभिनंदन जितना करना चाहिए उतना, क्योंकि विरोधियों ने इतना सारा आरोप उनके ऊपर लगाने की कोशिश की लेकिन पूरी जनता ने उनका साथ दिया और ये एक बार फिर से 300 पार ये हमारा जो अभियान था उसको पूरा करके दिखाया। इस नहीं, खुशी तो बहुत है, हम बयान नहीं कर सकते। पहले तो हम बधाई देंगे और बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे मोदी जी का और हमारे अमित जी का कि जिनके मेहनत के वजह से, इनके प्लानिंग के वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। आज हम देखें तो 350 एनडीए और भाजपा एक 301, एक बहुत बड़ी जीत हुई है जो हमारे हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी जीत होगी। इसलिए हम हमारे दोनों नेता, सभी हमारे वरिष्ठ नेता इनका धन्यवाद करेंगे, उनके प्लानिंग को की दाद देंगे। हम उन्होंने जो प्लानिंग किया था नीचे हम स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हमको बताया था काम करने का, उसकी ये जीत है। सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और बहुत लगन से काम किया और भारत की जनता का अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मोदी पर इतना विश्वास रखा कि अगले 5 साल में निश्चित भारत वर्ष में, भारत जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ये शानदार जीत असल में भारतीयों की जीत है, भारत माता की जीत है और लोगों ने जो विश्वास रखा है सरकार पे ये उसी की जीत है और हर जगह इस जीत का बहुत बहुत प्रशंसा और लोगों को अभिनंदन देते हैं हम। इतना जो काम गत साल में 5 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने किया है उसी की और उसे विश्वास की जीत है और वही में हम राहुल जी को उसी के लिए अभिनंदन भी देने आए हैं कि उनकी भी जीत बहुत अच्छी है, अगले 5 सालों में आके अच्छा लोगों का काम करेंगे और उसी विश्वास के साथ हम उनको आज मिले हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जो यहाँ पर जीत मिली है ये भी देश का हिस्सा है, सारे देश का जो मूड था मुंबई साउथ सेंट्रल का भी वही मूड है। हर एक वोटर मोदी जी के काम के लिए, मोदी जी के हर एक स्कीम के लिए अपने आप उतर कर वोट दिए हैं और उसी सिलसिले में यहाँ के हमारे जो खासदार हैं उनको भी पब्लिक ने बहुत ही तहे दिल से सपोर्ट कर पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से उनको जिताया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है, सन 1971 के बाद से हिंदुस्तान की जनता ने ये निर्णय जो आज दिया है, सन 1971 के बाद से इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में हुई है कि 1971 के बाद। इसका एकमात्र कारण है, जैसे राहुल गांधी जी हमेशा अपने भाषणों में हर एक सभाओं में कहते थे कि चौकीदार आगे का शब्द मैं नहीं कहता हूं, मगर हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बताया कि ये वोट किसको किया है। एक तरफ राहुल गांधी जी या पूरी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूरा
मोदी जी को इस देश से हटाने की बात करते थे और दूसरी तरफ मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में कहते थे कि देश से महंगाई मिटनी चाहिए, इस देश से आतंकवाद मिटना चाहिए, इस देश से बेरोजगारी मिटनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों की ये जीत मोदी जी ने की है, इसलिए ये जो हिंदुस्तान, आने वाला हिंदुस्तान 2022 तक मोदी जी और अमित जी ने जो सपना देखा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनको छत देने वाले लोगों के लिए ये जीत हुई है, बेरोजगारों की ये जीत हुई है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की ये जीत हुई है। इसलिए हम सभी भारत के सच्चे नागरिक इस जीत में शामिल होने के लिए आज सुबह से, जैसे आपको पता है कि बनारस तक मैं इस चुनाव में जाकर आया हूँ, तो बनारस में भी एक अनोखा माहौल मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को वहाँ पर देखने मिला है। और जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए जो मन बनाया था कि बुआ और बबुआ जो एक हुए थे और पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था कि बुआ और बबुआ की 50-60 सीटें इस हिंदुस्तान में आएगी, मगर हिंदुस्तान के मतदाताओं ने पहली बार जात पात से ऊपर उठकर इस देश के विकास के लिए वोट किया, इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। अमित भाई ने आज से ठीक 9 महीने पहले ही, आप जैसे नजर दौड़ाओगे कि 2019 के चुनाव से 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने गली से लेकर, अपने वार्ड से लेकर, मंडल से लेकर, विधानसभा से लेकर जिला तक ऐसी रणनीति अमित जी ने बनाई थी कि इस चुनाव में जैसे विरोधी लोग और अनेक मीडिया के चैनल आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले तक बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 220-230 तक ही पहुंचेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरा भरोसा था, क्योंकि हम लोग लगातार 9 महीने से हमारा संगठन हर एक गली में, हर एक बूथ में किस तरीके से मजबूत होगा उस दिशा में अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई थी और वही रणनीति रंग लाई है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को विश्वास था कि जब कभी 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा तो जैसे मोदी जी हर बार आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि हिंदुस्तान में भाजपा 300 के पार स्वयं बल पर आएगी, और आप आज नतीजे देखकर इसका एहसास हो रहा है। इसका एकमात्र कारण अमित शाह जी की जो रणनीति है, अमित शाह जी ने जैसे ही ये रणनीति 1 साल पहले बनाई और वो रणनीति का असर आज आप सभी देख सकते हो। तो ऐतिहासिक जीत है ये, तो काम की जीत है ये, तो आगे आने वाले हिंदुस्तान को दिशा देने वाली जीत है। अभी आगे आगे देखो और होता है क्या। कैमरामैन बबलू राउत के साथ आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।